और राजस्थान के जोधपुर में एक विवादित जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों में कई घंटे तक ईंट पत्थर चले और इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों पर पथराव किया, साथ ही दुकान में आग भी लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू करने की कोशिश की है तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पेट्रोल पंप से हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर और पुलिस बल बुलाकर हालात कंट्रोल किए गए। बताया ये जा रहा है कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था उस जमीन को लेकर 15 साल पहले हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में निर्माण न करने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष ने समझौता तोड़कर निर्माण शुरू कर दिया, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया और दोनों पक्षों के बीच घंटे तक पथराव होता रहा। उपद्रवी हाथों में ईंट और पत्थर बोतल लेकर गली से निकले और पत्थरबाजी करके फिर गली में भाग गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जोधपुर में दो समुदाय आमने सामने आ गए, एक जमीन के टुकड़े पर अवैध निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच ये झड़प हुई। बताया ये भी जा रहा है कि उपद्रवियों ने इस दौरान पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया है। उपद्रवियों ने एक दुकान में भी आगजनी की आग लगा दी। वहीं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें पथराव करते हुए उपद्रवी साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी लगातार की जा रही थी। जोधपुर में ये दो समुदायों के बीच में झड़प, हिंसक झड़प हुई है ये, और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी एक छोटे जमीन के टुकड़े को लेकर, जिस पर ये समझौता हुआ था दोनों पक्षों में कि कोई भी निर्माण नहीं करेगा। और सूरसागर इलाके में उपद्रवियों के तांडव से हालात ऐसे हो गए कि पूरी सड़क ईंट और पत्थरों से पटी हुई है, जगह जगह कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। उपद्रवियों ने कांच की बोतलों से भी हमला किया, जिसके टूटे हुए कांच सड़कों पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे इलाके में पत्थरबाजी की वजह से। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया। जगह जगह कांच के टुकड़े पत्थर देखे जा सकते हैं तस्वीरों में, वहाँ उपद्रवी पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर भी करते नजर आए। वहीं पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है और सारी सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि कोई भी आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ बताती हैं कि कितना ज्यादा माहौल खराब करने की कोशिश हुई। राजस्थान का जोधपुर शहर एक बार फिर दंगे की आग से झुलस गया। 15 साल बाद सूरसागर इलाके में एक बार फिर जमीन के लिए जंग छिड़ी। हालात इस कदर बिगड़े कि घंटों तक दो समुदाय के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे, जिसके हाथ में जो आया वो दूसरी तरफ फेंकता रहा। किसी ने ईंट मारी, किसी ने पत्थर, तो किसी ने बोतल को ही हथियार बना लिया। देखते ही देखते सूरसागर इलाके की सड़कें पत्थर ईंटों से पट गईं। ऊपर हमला हो रहा है, से खुद के ऊपर हमला हो रहा है, ये कितने आदमी सहन करेंगे हम लोग? पूरे इलाके में जगह जगह पत्थर और टूटी कांच की बोतलें पड़ी हैं। हालात काबू करने पुलिस पहुंची तो उस पर भी उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने एक दुकान में आग लगा दी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। उपद्रवियों ने एक शख्स के घर में भी आग लगा दी। वो पुलिस से मदद मांगता रहा, लेकिन पुलिस उपद्रवियों के आगे बेबस नजर आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश की तो उपद्रवी गलियों में छिप गए और रुक रुक कर पुलिस पर पथराव करते रहे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की,
तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला किया। वहीं पुलिस ने मौके से कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाप्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है उनको दस्तियाब कर थाने लेकर आए। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को ईदगाह के पास गेट बनाने और गाड़ियों की अवैध पार्किंग करने से रोका, जिसके बाद मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में घंटों तक पत्थरबाजी होती रही। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। इनका इरादा है कि गेट खोल के जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कब्जा नहीं होना चाहिए। आज क्या हुआ था? और ये आज के लिए गाड़ियां रखने लग जाते हैं कि गेट खोल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गेट बंद होना चाहिए और भी बात नहीं होना चाहिए। भाईचारा बना रहे, अगर भाईचारा नहीं इस विवाद से तो भाईचारा नहीं बना रहेगा। पुलिस प्रशासन ने क्या क्या बात? और बाहर जो दुकानें बनी है ये भी सारे अवैध है, इनको कोई निगम से उधर नहीं है। ये हंगामा जिस जमीन के टुकड़े पर कब्जे के लिए हुआ है उस जमीन को लेकर 15 साल पहले हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद ये तय हुआ था कि विवादित जमीन पर कोई निर्माण नहीं करेगा। लेकिन पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष ने समझौते को तोड़कर ईदगाह के पास विवादित जमीन की तरफ गेट खोल दिया। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ दर्जनों अवैध दुकानों के जरिए जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। 15-20 साल पहले इस जमीन पर हम मंदिर बनाना चाहते थे और हमारे किसी मोहल्ले किसी घर भी पूनाराम जी की दोस्त की कोई शादी भी थी तो हम यहाँ ने टेंट भी लगाया और वो मंदिर का निर्माण चबूतरा बनाने के लिए भी कार्य कर रहे थे। उसी समय ये सतार और कुछ काफी मुमडन वगैरह यहाँ आए थे और कभी काम बंद करो, ये जमीन हमारी है, हम नहीं बनाने देंगे। टेंट वगैरह सब नीचे नाक दिया हटाने। फिर वो आज में थाने में भी गए सही थे, ओम प्रकाश जी गौतम जी थे, वो भी मौके पर आए थे और काफ़ी पुराना विवाद चल रहा था इस जमीन पर। उसमें ये समझौता हुआ कि भाई नहीं तो इस जमीन को अभी विशाल देर में वाल्मीकि समाज काम में लेगी, नहीं माली समाज लेगी, नहीं मोमडन समाज लेगी और नहीं यहाँ कोई गेट खोला जाए। उसमें ये समझौता हुआ था और उसमें समझौते की कॉपी इनके हमारे समाज पूनाराम जी उनके पास थी और उनकी देहात हो गई तो वो कॉपी तो मिल नहीं सकती, थाने में अगर वो मिल सकती तो मिल सकती। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने उपद्रवियों को खदेड़ कर हालात काबू में किया। हिंसा के बाद अब पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन हिंसा और आगजनी के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कैसे ये पत्थरबाजी की तरफ ये पूरा मामला पहुंच गया जब दो गुटों के बीच में लड़ाई पहले से थी और जब ये सहमति बन गई थी कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो फिर कैसे कंस्ट्रक्शन वहां पर कर दिया गया और क्या कुछ हुआ, पूरी डिटेल्स बताइए। देखिए, एक जमीन के टुकड़े को लेकर यह बवाल शुरू हुआ है। हालांकि दो दिन पहले दो नाबालिग लड़कों के साथ जो झगड़ा हुआ था उसका भी ये रेप्लिकेशन माना जा सकता है। तो अभी आप देखिए जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये आप देखिए दुकान पूरी तरीके से जला दी गई है। ये जहाँ पे झगड़ा हुआ था पथराव हुआ था जम के ये वही जगह पर है और आप देखिए सुबह ये पूरी जो सड़क है ये पत्थर से पटी हुई थी और नगर निगम के जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पत्थर सब हटा रहे हैं और ये जम के पथराव हुआ था जो रात को आप जो आप पूरा इलाका देख रहे थे पथराव का वो यही इलाका है। यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, दंगा नियंत्रण वाहन आगे लगाया गया है। ये देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो गश्त कर रही हैं। सामने का जो आप मोहल्ला देख रहे हैं वो जो अब्दुल सत्तार कुरैशी जो वार्ड संख्या जो लिखा हुआ है वहां पर से भी पथराव शुरू हो रहा था और एक दुकान यहाँ पर जलाई है और बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब आप देखिए सामने पत्थर ही पत्थर आपको नजर आएंगे, जहाँ पर वो जो देखिए आप झाड़ू लगाते हो नगर निगम के लोग नजर आ रहे हैं। ये पूरा जो रास्ता है वो पत्थरों से पटा हुआ था, पत्थर बोतलें जम के चलाई गई हैं यहाँ पर और अभी फिलहाल यहाँ पर सब कुछ कोशिश की जा रही है कि साफ सफाई करें, लेकिन इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तो पूरा सड़क पे पत्थर ही पत्थर थे। हाँ, ज्यादा नहीं, मतलब यहीं तक ही है पत्थर और यहीं पे पथराव हुआ था रात को। मैं तो नगर निगम से हूँ, मुझे तो सूचना मिली, सर ने फोन किया था मुझे कि वहाँ टीम लेके पहुँचनी है। और पथराव कहाँ, इसी इलाके में हुआ है ना?
ठीक है, तो ये आप देखिए इलाका है, ये पूरा पथरा हुआ है, एक दुकान जलाई गई है। अब आप देखिए इस जगह पे, ये जो सामने जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, अब्दुल सत्तार कुरैशी बता रहे हैं कि इसी जगह से तमाम कुछ लोग आए और उसके बाद पथराव शुरू कर दिया। एक जमीन के टुकड़े को लेकर ये हंगामा हुआ था। इसी जगह पर पहले दो दिन दो नाबालिग लड़कों के साथ हंगामा हुआ और उसके बाद विवाद सुलझाने की स्थिति की जा रही थी, लेकिन विवाद सुलझ नहीं पाया। रात को यहाँ से पत्थरबाजी हुई, भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, अलग अलग टुकड़ियों में अब पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। दुकानें यहाँ पर फिलहाल बंद है, लोग घरों से निकलने की अभी फिलहाल कोशिश नहीं कर रहे। अभी देखिए इस इलाके में भी तमाम पत्थर पड़े हुए हैं, पुलिस समझाइश कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है कि आखिरकार कौन लोग हैं, क्यों इस तरीके से उपद्रव फैलाने की कोशिश की थी। बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी है पुलिस को, जोधपुर में पहली बार नहीं है कि दंगा हुआ, इससे पहले भी दंगे जैसी स्थिति हुई थी, कल भी जो स्थिति हुई है वो एकदम दंगे जैसी ही हो गई है। अब आप देखिए ये सामने का जो पूरा चौराहा है ये सूर सागर का, वहां से लेके जो अलग अलग टुकड़ियां हैं पुलिस बल की वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। अलग अलग जगह पर जाके लोगों को समझाया गया है रात भर कि फिलहाल मौके पर शांति बनाए रखें, किसी तरीके की कोई घटना ना हो, क्योंकि रात को लगभग ढाई घंटे तक के पत्थरबाजी हुई है, जम के पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। और ये जमीन के जिस टुकड़े की बात हो रही है उस जमीन के टुकड़े का विवाद केवल आज का नहीं है, लगभग 20 साल पुराना है। दोनों पक्षों को समझाइश करने की कोशिश की जाती है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दावेदारी देते हैं उस जमीन के टुकड़े पर, लेकिन अब चूंकि स्थिति ऐसी है कि दो घटनाएं एक साथ हुई हैं, दो नाबालिग लड़कों का झगड़ा हुआ दो पक्षों में और उसके बाद उस जमीन का मामला, तो यानी दोनों पक्ष जब आमने सामने हुए तब जम के हंगामा हुआ। अंकल कल जबरदस्त यहाँ पे पथराव हुआ था, क्यों पथराव हुआ इतना? जी कोई दो लड़के बच्चे के बीच में हुए। जमीन को लेकर भी बहुत ज्यादा हंगामा? नहीं, जमीन तो एक मामूली चीज ही थी, जमीन भी इतना नहीं है, दो बच्चे के लिए उस तरफ हुआ था। इतना ज्यादा पथराव, पूरी सड़क पट गई? अरे बहुत, यहाँ पे ऐसी माहौल है जी, क्या करें, ऐसी माहौल है यहाँ का। अब अभी सब शांति है, पुलिस ने कई लोगों को? सब सही है, और रात को लिया हुआ, हम तो उस पास में रहते हैं, ये मेला अपने ही है। आपका ही मेला है? आप बता रहे हैं कि इधर से लड़कों ने काफी पथराव किया आपके यहाँ? अब मैं तो वहाँ पे था उस तरफ, अब अपना ये पेट्रोल पंप के पास में मकान है, अपनों को मालूम नहीं है, इतना नहीं है, सब चल रहे थे ऐसे ही। तो स्थिति फिलहाल यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, रात भर पुलिस बल ने यहाँ पर तैयारी की है, लोगों को समझाया बुझाया है, लेकिन अब पुलिस ये तैयारी कर रही है चूंकि दिन चल रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और चूंकि रात को जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी थी तो ये चुनौती है कि अब रात को किसी तरीके से कंट्रोल किया है, दिन में भी कंट्रोल रहे। बिल्कुल, तो 21 जून को एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा हुई है जोधपुर में। आपको बता दें कि 5 मई को भी यहाँ पर इसी तरह के हालात पैदा हुए थे, लेकिन लगातार अगर जोधपुर में इस तरह के तनावपूर्ण माहौल बन रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार कौन वो लोग हैं जो साजिश करके जोधपुर में इस तरह की अशांति फैलाना चाहते हैं? अब नजर बनाए रखें मनीष, आपके पास हम आगे अपडेट के लिए आएंगे। अब यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी आकाश की मौत के बाद बवाल हुआ। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को हिमयपुर चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने परिजनों को समझाने की भी कोशिश की, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। हालात इस तरह बेकाबू हुए कि कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया। बवाल के दौरान मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की, जमकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। परिजनों का यह आरोप है कि आकाश की मौत पिटाई से हुई है। आकाश को चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया था। 19 तारीख को आकाश को चोरी के आरोप में जिला जेल भेज दिया गया था। इस दौरान आकाश को थाने में जमकर पीटा गया और उसकी मौत हो गई। विरोध बढ़ता देख आसपास के 5 थानों से पुलिस बुला ली गई है। एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभालकर हालात को काबू में करने की कोशिश की। एक बंदी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तनावपूर्ण हालात बने। शव को लेकर लोगों ने हंगामा किया और बड़ी तादाद में लोग चौराहे पर इकट्ठा हो गए। परिजनों को समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने पथराव ही शुरू कर दिया। उग्र भीड़ को रोकने के पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे गुस्साए लोगों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को आग लगा दी। आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, ये तस्वीरें फिरोजाबाद से सामने आई। उग्रवियों ने इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की, एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया, स्कूटी को तहस नहस कर दिया, कई बाइक और स्कूटी में भी तोड़फोड़ की। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने सड़क से घसीट कर हटाया और घटना में करीब 10 लोग भी घायल हो गए।
इस मामले में फिरोजाबाद एसएसपी का सौरभ दीक्षित का कहना यह है कि आकाश को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 19 जून को उसे जेल भेज दिया गया जहां उसकी तबीयत खराब हो गई। बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 19 जून 2024 को एक व्यक्ति आकाश जो कि थाना दक्षिण के रहने वाले हैं, इन पर थाना दक्षिण पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें कि इनके पास से चोरी की एक दोपहिया गाड़ी मिली थी। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। दिनांक 19 और 20 बिता लेने के बाद से जो हम लोगों को प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई अभी तक 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहाँ पर तबीयत बिगड़ गई। जो संबंधित जेल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर उन्हें आज सुबह इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस की कई टीमें गठित करते हुए पैनल के द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। यहाँ मौके पर कुछ जो पीड़ित पक्ष हैं उनके साथ अराजक तत्व थे जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया, उनसे भली भांति पुलिस ने डील किया है।